नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल टेक्नो मास्टर सोहन पे। मैं हूँ सोहन खुद और मैं आज आपके लिए आया हूँ और एक नया वीडियो। तो पहली बात तो ये दोस्तों कि हम आज रक्षाबंधन का त्योहार मना रहे हैं, तो इसके साथ मेरे सारे बहनों और भाइयों को, सभी को मेरी तरफ से रक्षाबंधन की ढेर सारी बधाइयां। उसके साथ ही शुभ दिन पर हम आज शुरू करने वाले हैं हमारा अगला वीडियो जो है एक अनबॉक्सिंग का। दोस्तों हम आज करने वाले सैमसंग गैलेक्सी F62 मोबाइल, जो कि सैमसंग मोबाइल एडिशन का सबसे बेहतरीन बैटरी लाइफ फोन अंडर 30,000 कैटेगरी में आता है। जिस द फर्स्ट फोन विच कम्स इन 30,000 विद 7,000 mAh बैटरी, लार्ज सुपर बैटरी विच कैन रन अ फोन 2-3 डेज कंटिन्यूसली यूजिंग। तो दोस्तों हम आज देखने वाले हैं इस मोबाइल के अनबॉक्स। तो चलिए आज के वीडियो शुरू करते हैं और मैं आपको बताऊंगा सैमसंग गैलेक्सी F62 मोबाइल की पूरी डिटेल्स, स्पेसिफिकेशंस, इसकी प्राइस और सब कुछ। मेरे साथ दोस्तों अंत तक देखिएगा टेक्नो मास्टर सोहन। तो चलिए हमारा आज का वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं एक नई मोबाइल की जानकारी। दोस्तों चलिए हम आज शुरू करते हैं हमारे सैमसंग गैलेक्सी F62 मोबाइल की अनबॉक्सिंग। तो चलिए पहले अपना मोबाइल बॉक्स जो है वो हम खोलते हैं। दोस्तों इसमें आप देख सकते हैं कि इस तरह से यहाँ पर उन्होंने बिल दिया है, ये हम साइड में रखते हैं। तो पहले देखते हैं हमारा डिवाइस, ये सारे बॉक्स को वगैरह नीचे रख देते हैं। तो इन्होंने इस तरह से रैपिंग किया हुआ है रिसाइकल पेपर में। तो ये रहा हमारा मोबाइल का बॉक्स। तो ये देखिए सैमसंग गैलेक्सी F62 ब्रांड न्यू मोबाइल है, सैमसंग का रेगुलर बॉक्स है। ये वेरिएंट जो है अवेलेबल है, मैंने जो लिया है 6GB 128GB स्टोरेज के साथ ये अवेलेबल है। तो दोस्तों हम देखते हैं अंदर डिवाइस कैसी है, तो चलिए इसे खोल देते हैं। तो देखते हैं पहले हमारे मोबाइल के बॉक्स में क्या क्या आता है। तो यहाँ पर उन्होंने एक सिम रिजेक्टेड पिन दी है और इसी के अंदर अगर आप देखें तो इस तरह से कुछ यूजर मैनुअल और वारंटी डॉक्यूमेंट्स हैं। अगर आप देखें तो क्विक स्टार्ट गाइड एंड वारंटी कार्ड यहाँ पर दिए गए हैं। इस मोबाइल के साथ आपको किसी भी प्रकार का बैक कवर यानी कि ट्रांसपेरेंट बैक कवर नहीं आता है। तो चलिए पहले हम देखते हैं मोबाइल। तो इसी के साथ ही हमें मिलता है 25 वाट का फास्ट चार्जिंग सी टाइप केबल वाला। तो ये रही इस मोबाइल की जो है वो सी टाइप चार्जिंग केबल। अगर हम देखें तो सुपर वाइट कलर में ये अवेलेबल है। क्या होता है कि अगर कंपनी ब्लैक कलर में देती है ना, तो एक फ़ायदा होता है कि केबल और अडेप्टर जो गंदा नहीं होता है। ये सैमसंग का ऐसा होता है कि सारे अडेप्टर्स और सारे वायर जो है वाइट कलर में होते हैं, इसकी वजह से क्या होता है कि बहुत जल्द जो है वो ये गंदा हो जाता है। देखिए थोड़ी सी लंबी केबल है इन्होंने दी है, नॉर्मल केबल से C2C टाइप है। ये देखिए दोनों तरफ से इस तरह से 25 वाट का सुपर फास्ट चार्जिंग वाला ये अडेप्टर है अगर आप देखें तो। तो पहले हम देखते हैं डिवाइस। तो इस बॉक्स को हम बाजू में रखते हैं। तो ये रही हमारे सैमसंग की ब्रांड न्यू सैमसंग गैलेक्सी F62 मोबाइल। तो इसका पहले तो हम ये कवर खोलते हैं। तो अगर आप देखें तो बहुत ही अमेजिंग सी बैक है इस पर, ब्लू कलर मैंने लिया है। ये देखिए टोटल ऐसे वर्टिकल लाइंस इसमें आपको देखने को मिल रहा है इस तरह से, और यहाँ पर जो है वो टोटली मिरर जैसा फील आपको यहाँ पर आता है। तो ये स्टिकर पहले निकाल देते हैं जो इसके सौंदर्य में जो है वो बाधा डाल रहा है। ये देखिए ये मैंने निकाल लिया। तो देखिए इस तरह से बिल्कुल स्मूथ फिनिशिंग वाला क्वाड कैमरा वाला लेटेस्ट और आपके बिग बजट वाला फ़ोन है ये। तो दोस्तों चलिए हम ये अभी स्टार्ट करते हैं। दोस्तों क्या है कि इसका जो है वो स्टार्टअप इंटरफेस आपको देखने नहीं मिलेगा, क्योंकि टेस्टिंग के समय मैंने ये मोबाइल एक बार शुरू करके देखा है। तो सीधा मोबाइल आपको होम स्क्रीन पर चालू हुआ नज़र पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों बहुत ही अच्छा प्रोसेसर है, इसकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले मोबाइल को शुरू हो जाने दो। तो दोस्तों देखिए दोस्तों बहुत ही फास्ट ये मोबाइल शुरू हो चुका है।
तो ये हम ओपन कर चुके हैं। इसका ये होम स्क्रीन यहाँ पर दिखाई देता है। बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का डिस्प्ले इस पर आपको मिलता है। अगर मैं इसकी बैटरी की बात करूँ तो बहुत ही सुपर बैटरी है, 7000 mAh की बैटरी भी, 25 W का फास्ट चार्जिंग, फास्ट चार्ज तकरीबन आधा पौना घंटा में ये जो है वो मोबाइल फुल चार्ज हो जाता है 100%, हमने टेस्ट करके देखा है। तो ये देखिए, इसका बहुत ही बेहतरीन डिस्प्ले आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और एक बात सैमसंग की जो है वो इन्होंने ये कुछ प्री इंस्टॉल्ड ऐप आपको देखे रखे, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है वैसे तो, ये स्नैपचैट फ़ोन पे से प्री इंस्टॉल्ड ऐप इन्होंने देखे रखे। चिंता मत करो दोस्तों, ये आप ऐप जो है वो अनइंस्टॉल कर सकते हैं। ये देखिए, बहुत ही बिग एज टू एज डिस्प्ले वाला ये मोबाइल है। तो हम बात करते हैं इसके कैमरे क्वालिटी की। तो कैमरा का कैसा है कि ये मेन कैमरा 64 MP का मेन कैमरा, 12 MP का अल्ट्रा वाइड कैमरा, 5 MP डेप्थ एंड 5 MP माइक्रो कैमरे के साथ ये मोबाइल आपको मिलता है। तो इसकी अभी की करंट वैल्यू जो है लॉन्च होने के बाद की, ये वैल्यू जो है वो 26,000 है, 25,999 26,000 होता है। तो ये मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया है, तो इसकी एक बाय की लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन पर दी है, वहाँ से आप ये बेहतरीन मोबाइल जो है वो आपके बजट में फिट होता है ऐसा मोबाइल जो है वो आप ऑर्डर कर सकते हैं। दोस्तों, इसका डिस्प्ले के बारे में हम बात करते हैं। 6.7 इंच का FHD सुपर एमोलेड प्लस डिस्प्ले जो आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का डिस्प्ले है। कोई भी इस डिस्प्ले में कोई भी अगर आप देखो तो इसमें फ्लॉ नज़र नहीं आता है, बहुत ही बेहतरीन तरीके का ये डिस्प्ले है। इसके साथ ही आपको इस स्क्रीन पर जो है वो गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन मिलता है, जो कि डिस्प्ले के लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ऊपर से आपको एक्स्ट्रा गोरिल्ला ग्लास आप डाल सकते हैं एक्स्ट्रा सिक्योरिटी के लिए, लेकिन इसके साथ कंपनी ने आपको गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन दिया हुआ है। बात करते हैं इसके प्रोसेसर की, तो फ्लैगशिप एक्सिनॉस 9825 का ब्रांड न्यू और सैमसंग का सबसे बढ़िया प्रोसेसर इस मोबाइल में है। तो इस 25K के अंदर जो मोबाइल आते हैं तो उनके लिए ये प्रोसेसर फ्लैगशिप एक्सिनॉक्स 9825 प्रोसेसर बहुत ही बेहतरीन प्रोसेसर होता है दोस्तों। तो अगर हम इसकी स्टोरेज की बात करें तो 8GB स्टोरेज और 128GB में भी ये अवेलेबल है। मैंने जो लिया है वो 6GB 128GB स्टोरेज वाला है। इसका अंतुतु स्कोर के बारे में अगर हम बात करें तो 377,711 इसका अंतुतु स्कोर है। ये बहुत ही बेहतरीन तरीके का मोबाइल है। अगर हम इसकी साइड में इसका फिंगरप्रिंट सेंसर देखें तो यहाँ पर साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर है, जो कि बहुत ही अच्छे से वर्क करता है, कोई भी इसमें खराबी नहीं है। उसके साथ ही फेस अनलॉक के साथ आपको ये मोबाइल मिलता है। तो इसका एंड्रॉयड 11 जो है वो एंड्रॉयड वर्जन 11 में अवेलेबल है। ये 12 तक अपग्रेडेबल भी है, जैसे ही इसके अपग्रेड आते हैं वो आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसका फ्रंट कैमरे की हम बात करते हैं, 32 MP का फ्रंट कैमरा, जो कि इस प्राइस में बहुत ही बेहतर है, क्योंकि इस प्राइस में आपको बाकी कंपनीज के जो 16 MP के कैमरा अवेलेबल होते हैं, तो ये मोबाइल में आपको जो है वो 32 MP का कैमरा आपको इस मोबाइल पे आपको देखने को मिलता है। दोस्तों, मैं आपको कुछ मेरे मोबाइल से लिए हुए पिक्स आपको दिखाने वाला हूँ बाद में, तो वहाँ से आप इस कैमरे क्वालिटी को जांच कर सकते हैं कि ये किस तरह से इसका अल्ट्रावाइड कैमरा, माइक्रो कैमरा, डेप्थ कैमरा वर्क करते हैं। तो इसके कुछ स्पेसिफिकेशंस के बारे में हम बात करते हैं। डुअल 4G वोलाइट वाईफाई कॉलिंग, ब्लूटूथ 5.0 कनेक्टिविटी, डुअल बैंड वाईफाई, और इसके साथ ही आपको पेमेंट की सिक्योरिटीज़ के लिए जो है वो एक बेहतरीन NFC सिक्योरिटी आपको इस पर मिलती है। बहुत ही बेहतरीन कि नॉक्स वर्जन है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच टेबल लेटेस्ट है। तो ऐसा है कि ये देखिए, 1 UI वर्जन भी 3.1 यानी कि लेटेस्ट वर्जन इसमें ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, एंड्रॉयड वर्जन 11 के साथ। तो दोस्तों, ये NFC सिक्योरिटी के साथ आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से, ये देखिए यहाँ पर अगर आप देखो तो NFC एंड कॉन्टैक्टलेस पेमेंट्स में आप जो है बहुत ही बेहतरीन तरीके से सिक्योर्ड पेमेंट्स इस मोबाइल से कर सकते हैं। तो ये सारे एंगल से अगर आप देखें तो सारे ही एंगल से ये मोबाइल जो है बहुत ही बेहतरीन मोबाइल है। और इसके साथ हम बात करते हैं, इसका चार्जर जो सी टाइप चार्जिंग केबल आपको मिलती है। इसके साथ एक 3.5 mm का ऑडियो जैक, ऑडियो इनलेट जैक, और एक बैकग्राउंड में स्पीकर आपको मिलता है। ये बहुत ही बेहतरीन मोबाइल है। अगर आप इस प्राइस में देखना चाहते हैं तो इसकी लिंक मैंने जैसे बताया था डिस्क्रिप्शन पर दी है, वहाँ से आप ये
मोबाइल जो बाय कर सकते हैं। तो हमारी अनबॉक्सिंग आज यहीं पर ख़त्म होती है। आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये मोबाइल कैसा लगा। बहुत ही बेहतरीन इसका बैक साइड अगर आप देखें तो बहुत ही शाइन करने वाला बैक साइड है। तो दोस्तों अगर आप देखें तो ये मोबाइल इस रेंज में आपको और कोई कंपनी नहीं देगी जो सैमसंग आपको ऑफर करे। सैमसंग गैलेक्सी F62 ये F सीरीज का दूसरा मोबाइल है। पहला तो था F41 था, वो इतना खास नहीं था, लेकिन ये उससे बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का मोबाइल है। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करना ना भूले, और इस वीडियो को अपने दोस्तों, अपने परिवार तक, सभी तक पहुंचाइए। उन्हें बताइए टेक्नो मास्टर सोहन को सब्सक्राइब करने के लिए। धन्यवाद दोस्तों।